गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 47 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरह का एक बार ग्राफ बनाया हुआ दे रखा है आपकी बुक में। मैंने यहां पर रफ बनाया है डायग्राम, आपको ये डायग्राम आपकी बुक से बनाया है। तो देखिए इस ग्राफ में आपको y अक्ष पे तो एज दे रखी है ईयर में और अक्ष अक्ष पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो आपको इस ग्राफ को देखकर ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द एज ग्रुप ऑफ 13 ईयर। आपको बताना है कि 13 ईयर की एज में कितने बच्चे हैं। तो देखिए 13 ईयर की एज यही है और 13 ईयर की एज में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 10। कितने आ रहे हैं, 10। देखिए 13 ईयर और 13 ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो आपको फर्स्ट वाले आंसर में लिखना है 10 स्टूडेंट। सेकंड देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट आर द ओल्डेस्ट इन द क्लास। क्लास में ओल्डेस्ट स्टूडेंट कितने हैं, तो इसमें आएगा 1। क्या आएगा, 1। ठीक है, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा एज। तो सबसे ज्यादा एज क्या है, 70 स्टूडेंट की सबसे ज्यादा एज क्या है, 17। और 17 में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 1। ठीक है, तो इसमें आपको फिल करना है 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन विच एज देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट। कौन सी एज में ओनली सिर्फ 2 स्टूडेंट है, तो क्या लिखना है आपको, 16 ईयर। देखिए 16 ईयर वाली एज में ओनली कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी स्टूडेंट आर अंडर द 12 ईयर एज। ये बोल रहा है 12 ईयर से अंडर, 12 ईयर के अंडर मतलब 12 ईयर से कम। तो 12 ईयर से कम तो कौन से, तो 11 ईयर और 10 ईयर। 11 ईयर में आ रहे 7 स्टूडेंट, 10 ईयर में आ रहे 3 स्टूडेंट। तो 7 और 3 10, तो आंसर क्या आएगा, 4, 10 आएगा। ठीक है, अंडर 12 में 10 स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन विच एज देयर आर 3 स्टूडेंट। ऐसी कौन सी एज है जिसमें ओनली 3 स्टूडेंट है, तो 3 स्टूडेंट कौन सी एज में आ रहे हैं, 10 ईयर। तो आपको फिल करना है 10 ईयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी पेयर में करना है। ये ग्राफ आपको ग्राफ नोटबुक में बनाना है और क्वेश्चन करना है। तो ये अपना एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।